नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। जी हां, हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जिस तरह से पाकिस्तान की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति जिस तरह से कंगाली के स्तर पर है पाकिस्तान, लेकिन भारत के खिलाफ लगातार साजिशों में लगा रहता है। जिस तरह से भारत जो है पाकिस्तान के इस साजिश को लगातार नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, लगातार नाकाम करने का पूरी तौर पर अपनी एजेंसियों के द्वारा कर रहा है, लेकिन गृह युद्ध की आग में झुलसते पाकिस्तान के इस साजिश की जो G20 की बैठकों में दुनिया के 20 देशों के सामने भारत की ताकत को और मजबूत होता देख भारत के विरोध में बनाया है, ये खास तौर पर साजिश रची है पाकिस्तान ने। दरअसल भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि अगले हफ्ते कश्मीर के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 देशों की बड़ी बैठक होनी है। इसमें भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को कश्मीर में जो विकास हुआ है, खासतौर पर 370 के हटाए जाने के बाद जो स्थिति है उसको, विकास की गति को दिखाया जाएगा और घाटी के लोगों में जिस तरह से अमन चैन लौटा है उसको पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची है। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनगर में जो 22 से 24 मई तक G20 देशों की पर्यटन पर होने वाली बैठक के लिए पूरी तैयारी जो है हो चुकी है, और इस मसले को लेकर पाकिस्तान पूरी तौर पर अलग थलग पड़ा हुआ है। और जो आर्थिक मंदी, गृह युद्ध, सेना सियासत के संघर्ष और जो जनता की गुस्सा है उससे पाकिस्तान जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार जो नापाक मंसूबा है उसमें लगा हुआ है। और श्रीनगर में G20 देशों की बैठक में गड़बड़ी फैलाने का प्लान जो है पूरी तौर पर तैयार किया है, और जिसको डिकोड जो है भारतीय एजेंसियों ने किया है। और अगर भारतीय एजेंसियों के जो सूत्र हैं, जो हमारे सूत्र हैं, इस बार की जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने उच्चायोगों को टूलकिट बम भेजकर भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठक के खिलाफ अड़ंगा डालने में जुटा हुआ है। आखिरकार पाकिस्तान का जो चाल है, पाकिस्तान का चाल किस तरह से इसको जो नाकाम करने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ कि आर्टिकल 370 की आज़ाद जो हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की चालें कश्मीर में नहीं चलें। जिस तरह से भारतीय एजेंसियों ने पूरी तौर पर वहाँ आतंकवाद को ख़त्म करने में, जिस तरह से आतंकवादियों को फंडिंग की बात हो उसको ख़त्म करने में जो एजेंसियों की तालमेल है, NIA की बात किया जाए या जिस तरह से ED द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में और आतंकवादियों को सफाया किया जाना, जिस तरह से सुरक्षा बलों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान में बौखलाहट साफ तौर पर दिख रहा है। और पाकिस्तान जो है लगातार चाले चल रहा है ताकि G20 की जो महत्वपूर्ण बैठक है उससे पहले जो जो दुनिया में भारत के खिलाफ जो जो मंसूबे हैं उसको फैला सके, यानी जो नापाक उसका साजिश है उसको वो जो है लागू कर सके। तो पाकिस्तान ने भारत छोड़ दुनिया के अपने सभी उच्चायोग में भारत के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए टूलकिट बनाकर जो है भेजी है, और ये पहली चाल है। दूसरी चाल की बात करें कि भारत जिस तरह से G20 के बैठक जो होनी है उसके खिलाफ पाकिस्तान ने एजेंडा चलाने के लिए अलग अलग थीम बनाई है, और उस थीम में जिस तरह से
भारत को हिंदुवादी बताया जाना एक उदाहरण है, मैं जिक्र कर रहा हूँ। ऐसे ही कई थीम बनाए गए हैं। तीसरी चाल जो है माफिया अतीक अहमद को जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से उसको प्रोपगंडा जो है फैलाया जाना कि किस तरह से भारत जो है मुस्लिम विरोधी है, इस तरह की जो हथियार अपना रहा है पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए। और वैसे ही चौथी चाल की बात करें तो भारत से भारत विरोधी जो हैशटैग है उसको जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना, और जो आखिर में जो महत्वपूर्ण जो साजिश है वो कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए श्रीनगर में G20 की बैठक के दौरान और उनसे पहले भी भारत विरोधी संदेश जो है पोस्ट करना और प्रमोट करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3T के जरिए अगर बात करें कि पिछले 20 दिन में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के करीब 60 से ज़्यादा ऑपरेशन, जिसमें NIA, SIA, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल शामिल हैं, और इसमें जो कार्रवाई की गई है वो महत्वपूर्ण है। 3T भारतीय एजेंसियों ने अपनाया है, जिस तरह से टेरर फाइनेंसिंग हो, टेरर नार्को हो और प्लान टेररिस्ट हो, उसको पूरी तरह पर जो ध्वस्त करने का जो प्लान है वो लगातार भारतीय एजेंसियों द्वारा किया गया है। और इसी का नतीजा है कि इस ऑपरेशन से आतंकवादियों को जो तिहरी, माने कहें कि मतलब दोगुना नहीं बल्कि तीसरे स्तर पर जो है उनको नुकसान पहुंचाने का जो भारतीय एजेंसियों ने नकेल कसा है, और जिसकी वजह से कई जो साजिशें हैं वो नाकाम हुई हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि जो कार्रवाई जम्मू कश्मीर में चल रही है, जिस तरह से सुरक्षा बलों द्वारा जो कार्रवाई, जो इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट के बाद कार्रवाई की जा रही है, उससे पाकिस्तान में बौखलाहट है। भले ही पाकिस्तान कंगाली के स्तर पर है, और किस तरह से आपने देखा कि विश्व में वो कटोरे लेकर जो है पैसे की मांग कर रहा है, कोई देश उसे देने के लिए धन मुहैया कराने के लिए तैयार नहीं है। एक चीन है जैसा देश है, जो कि चीन, क्योंकि चीन की अपनी हित है तो चीन उसे कुछ पैसे मुहैया कराता है। लेकिन जो स्थिति ये है कि G20 की जो बैठक है श्रीनगर में उसको बदनाम करने के लिए लगातार पाकिस्तानी एजेंसी कोशिश कर रही है, लेकिन जो भारतीय एजेंसियां हैं वो साफ तौर पर तस्वीर रख रही हैं कि आखिरकार धारा 370 हटाए जाने के बाद जो ग्राउंड पर जो स्थिति बदली है, विकास की धारा को किस तरह से बढ़ाया गया है, उसकी पूरी तस्वीर पेश किया जाएगा। जो सभी देश हैं उसमें जो आएंगे उन्हें दिखाया जाएगा कि आखिरकार भारत सरकार किस तरह से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो है धन की कोई कमी नहीं रहने दे रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात है।